Hey, what is up guys? I am Sahaj Jain और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं quick analysis of CA final advanced auditing and professional ethics का. So without wasting time, let's get started. Okay, so अगर हम expected questions की बात करें audit के इस paper में, तो मुझे expect था ICICI एक तो SRE और ये जो 3420, 3400 prospectus, pro forma assurance and engagement on pro forma engagement, ये जो नया topic था उसके बारे में, उसके बाद में 800 series में से कुछ expected था मुझे special consideration और ये सब. और हाँ, बाकी ये एक्सपेक्टेड था जो इस क्वेश्चन पेपर में आया नहीं मई 2018 के. और अगर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं कि ये एक्सपेक्टेड था और एज इट इज़ आ गया है, तो अगर मैं इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करूँ तो हमारा एक तो ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस एंड देन सेक्शन 140, ओके, जो ऑडिटर जो ट्रिब्यूनल जो ऑडिटर्स को निकाल देता है सू मोटे करके, वो एक्सपेक्टेड था जो आ गया है. और इस बार प्रोफेशनल एथिक्स काफ़ी सिंपल आए, यू नो व्हाट, मतलब सब बेसिक क्लॉज 4, क्लॉज 5 ऑफ सेकंड शेड्यूल, देन क्लॉज 10 जो लास्ट टाइम अमेंड हुआ था जिसमें आपको परसेंट ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन परसेंटेज के बेसिस पे आप उसे चार्ज करते हो अपनी फीस. ठीक है, ये था हमारा एक्सपेक्टेड जो आ गया है. और बैंक भी काफ़ी टाइम से, लास्ट 2-3 टाइम से नहीं आया था बैंक, जो इस क्वेश्चन पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जो बैंक के, देन आपको इंश्योरेंस का एक पेपर में एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो लास्ट टाइम नहीं आया था. सो इस तरह हमारा एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड. नाउ अब हम मेरे हाथ में मई 2018 का क्वेश्चन पेपर है. ओके, सो अब हम फटाफट से क्विक एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आप जो क्वेश्चन पेपर देने के बाद या फिर आफ्टर एग्जाम जो आप अपने अपने हाथ से अपनी अपनी मन की तसल्ली के लिए, संतुष्टि के लिए और योर सेटिस्फेक्शन, आप जो अपने 40 मार्क्स जो अपने प्रोवाइड करते हैं, मतलब किसी ना किसी 1-2-3 ऐसे कुछ काउंट करते हुए 40 मार्क्स अपन ले ही आते हैं क्वेश्चन पेपर में. ठीक है, सो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं 7 से स्टार्ट करेंगे. हम 7 की क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. तो इसमें कंपनी ऑडिट से ये क्वेश्चन आया था जिसमें आपको बताना था कि ट्रिब्यूनल जो है वो सू मोटे करके या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्लाई एप्लीकेशन देती है ट्रिब्यूनल को, तो वो विद इन 15 डेज में ऑडिटर को निकाल के दूसरा ऑडिटर चेंज कर देगा और जो ऑडिटर निकला है उसको सेक्शन 447 अप्लाई हो जाएगा, ओके, फ्रॉड के बारे में. और वो 5 साल तक और कोई ऑडिटर नहीं बन सकता है ना, और ये सेक्शन उसकी फर्म पे भी अप्लाई होगा. ठीक है, ये हमारा था 7th का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो काफ़ी सिंपल अच्छा क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड था सेक्शन 140 सबसेक्शन 5. ओके, फिर 7th की डी क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे पीयर रिव्यू के बारे में. यहाँ पे आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना था कि वो उसको 10 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी है, उसके बाद प्रैक्टिस में होना चाहिए, उसने वो सारी कुछ प्रोसीजर फॉलो करी हुई है, मतलब उसने प्रैक्टिस करी हुई है. और हाँ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताना था. उसके बाद में आपका कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करते हैं. 7th का सी क्वेश्चन आपके कॉस्ट ऑडिट पे था, उसमें आपको सर्कमस्टांसेस बताने थे वारंट के बारे में कॉस्ट ऑडिट. ओके, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ओके, सिमिलर क्वेश्चन था आपको, ये आपको पीएम में मिल जाएगा. उसके बाद में हम KYC नॉर्म्स, ओके, हाँ, 7th का ए क्वेश्चन जो था, हाँ ए क्वेश्चन सॉरी 7th का बी क्वेश्चन जो था वो प्रोफेशनल एथिक्स पे आया था, जो कि ये इस टाइम का अमेंडमेंट था KYC नॉर्म्स. इसमें आपको सिंपली बताना था उसके KYC नॉर्म्स बता रहे थे. आई थिंक इस बार हाँ ये भी एक्सपेक्टेड था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो GST ऑडिट है उसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनना था, बट ICAI को पता था कि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो तो हम कभी देते ही नहीं है, इसलिए उन्होंने GST ऑडिट दिया. देन उसके बाद जो 20 केसेस जो नए आए थे CA के चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के 20 केसेस आए थे, उस पर भी एक आध केस सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नथिंग. ओके, फिर उसके बाद में हम बात करें 7th के ए क्वेश्चन की, जो सेबी एक्ट 1992 पे आया था, इसमें आपको कुछ बताना था लेवी ऑफ मॉनेटरी फाइंस एंड पेनल्टीज के बारे में, आपको बताना था कि क्या क्या अगर
बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अगर नहीं रखते तो मतलब किस किस तरह से आपके ऊपर फाइन लगा सकती है। ठीक है, आपको इसमें फाइन का अमाउंट नहीं बताना था, सिर्फ ये बताना था कि किस सर्कमस्टेंस में इसमें फाइन लगेगा। इसमें हम सिक्वेशन की बात करते हैं तो ऑडिट ऑफ बैंक आ गया इधर वापस। तो इसमें आपको एग्जामिनेशन ऑफ गारंटी के बारे में बताना था, आपको कुछ बॉन्ड्स लिखना थे इसमें। ठीक है, मतलब एज अ ऑडिट करना था बैंक का गारंटी का। ओके, सिक्स का सी क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये ऑपरेशनल ऑडिट में आया था आपको। ये भी अच्छा क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है ये ऑपरेशनल ऑडिट का। ठीक है, उसके बाद में हम सिक्स की बी क्वेश्चन की बात करते हैं तो वापस से ये अपना बैंक का इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। ठीक है, इसमें आपको बताना था, ये न्यू क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको बताना था इन्वेस्टिगेशन, जैसे अगर कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है और अगर वो लोन ले रही है तो बैंक के बिहाफ पे आपको क्या इन्वेस्टिगेशन करना था पार्टनरशिप फर्म के लिए, यानी उसका जो डीड देखना था, वो कैसे रिपेमेंट करेंगे, उनका मोटिव क्या है लोन लेने का, इस तरह से आपको इन्वेस्टिगेशन करना था। ठीक है, जैसे जो सी आई डी देखता वो बहुत जल्दी समझ जाएगा इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर। इसके बाद में सिक्स का ए क्वेश्चन की बात करें तो वो पीएसयू ऑडिट पे है, जो एस्पेक्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑडिट पे है। इसमें आपको एफिशिएंसी ऑडिट के बारे में बताना था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन में से एक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फिफ्थ की डी क्वेश्चन की, जो टैक्स ऑडिट पे था। आपको क्लॉज 32 फॉर्म 3CD पे से बताना था, दिस इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ की सी क्वेश्चन की, ऑडिट ऑफ बैंक अगेन 8 मार्क्स का। मतलब यू नो व्हाट, एक और बात मैं आपको बतानी है कि जो मई 2018 का पेपर अगर आप देखेंगे ना, मैं सिर्फ ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चारों पेपर ले लें, एफआर का, एसएफएम का और लॉ का, तो आपको मई 2018 में से एक, मतलब मिनिमम एक और मैक्सिमम मतलब दो से तीन क्वेश्चन आपको मई 2017 के आपको इधर एज इट इज कॉपी मिल जाएंगे। सो मतलब आप आईसीआई की एक स्ट्रैटेजी देख सकते हैं कि अगर आप लास्ट का मतलब लास्ट के अटैम्प में से तो आई थिंक एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और वैसे बहुत कम आता है, बट लास्ट का लास्ट मतलब सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन जो मैं अपने लिए मेट 2017 था, उसमें से एक या दो क्वेश्चन वो पूछ ही लेते हैं। और डिट्टो अगर आप एसएफएम की बात करेंगे तो उसमें जो मर्जर के चैप्टर में से जो क्वेश्चन आया था सीएसईआर वाला और वेटेड एवरेज असेट्स वाला, वो सेम एज इट इज मई 2017 में आया हुआ है। और अगर आप एफआर की भी बात करेंगे तो एफआर में भी एक आध आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लॉ की बात करें तो लॉ में आपका एक एग्जिट लोड वाला क्वेश्चन था 75% वाला, ओके, वो आपका एज इट इज मई 2017 में से उठ के इधर आया था। और लॉ में एक दो क्वेश्चन और थे जो डिक्टो कॉपी हुए थे। ठीक है, उसके बाद में हम वापस से ऑडिट पे आते हैं। ऑडिट में हम लोग थे, टैक्स ऑडिट हो गया था। फिफ्थ की सी क्वेश्चन जो है ऑडिट ऑफ बैंक, वो वेरिफिकेशन ऑफ एडवांटेज है, ओके, एडवांटेज है, और वो सिमिलर क्वेश्चन है। उसके बाद में फिफ्थ की बी क्वेश्चन की बात करें तो ये अपना इंश्योरेंस चैप्टर में से क्लेम रजिस्टर्ड आपको बताना था, ओके, क्योंकि क्लेम के क्या क्या कौन कौन से रजिस्टर आपको मेंटेन करना होता है। दिस वॉज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन। देन फिफ्थ की एक क्वेश्चन की बात करें, प्रोफेशनल एथिक्स, वेरी सिंपल, क्लॉज 5 पार्ट 1 शेड्यूल 2, जिसमें आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना था, ओके। और हम लोग हाँ, देन फिफ्थ के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फोर्थ की सी क्वेश्चन की बात करें तो आपको कंपनी ऑडिट पे था, सेलिंग लिमिट बताना था आपको, मैक्सिमम 20, और प्राइवेट लिमिटेड में 100 करोड़, ओके। उसके बाद मैं फोर्थ का बी क्वेश्चन जो था आपके कंपनी ऑडिट गाइडेंस नोट और रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 134, इसके बारे में आपको बताना था, ये आपका न्यू क्वेश्चन में भी एक था। उसके बाद में फोर्थ की ए क्वेश्चन की बात करें तो प्रोफेशनल एथिक्स क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, हाँ, ये लास्ट टाइम का अमेंडमेंट था, जो लास्ट टाइम भी आने का मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा था, बट उन्होंने इस टाइम दे दिया। तो इसमें आपको सिंपली बताना था कि किस किस बेसिस पे अपना ऑडिटर परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकता है, तो उसमें छः सात कुछ पॉइंट है वो आपको देना थे, और इसके बारे में बताना था कि इसमें कोई उसका कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉस्ट रिडक्शन के बारे में शायद आई थिंक करा था, या राइट। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30D की, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आपको बताना था
कि आपका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको सिंपली बताया था कि उसको सेक्शन 143 अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, उसको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, ऐसे आपको कुछ बताया था उस पर. ओके दिस इज न्यू क्वेश्चन. ओके फिर उसके बाद में थर्ड की क्वेश्चन, थर्ड की सिक्वेशन की बात करें, ये आपके ऑडिट कमेटी पे आया था. राइट, ऑडिट कमेटी लास्ट टाइम नहीं आया था और ऑडिट LODR आपका अमेंड हुआ था, तो कई आना ही था इस बार. तो ऑडिट कमेटी में तो उन्होंने काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा है. इसमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि आपका एडवर्स स्टेटमेंट इन कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो आपको इसमें आपको बताना था कि आपको कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगी मिनिमम, उसमें से फिर आपको आपका चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. ओके इस तरह की, मतलब आपको जो आपने सेक्शन 177 पढ़ा ऑडिट कमेटी का, तो उसमें जो हमारी कंडीशन थी कि बोर्ड मीटिंग कैसे होगी, 122 डेज मैक्सिमम 122 डेज होना चाहिए, तो ये आपको बताना था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑडिटर एडवर्स अपना रिव्यू देगा. उसके बाद में फिर थर्ड की बी क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे पूरे पेपर में. और इसमें आपको बताना था डिस्क्लोजर रिगार्डिंग MSME. ओके ये कुछ अभी ये भी शायद आई थिंक अमेंडमेंट ही है शेड्यूल 3 का, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. उसमें ना थर्ड एक ही बात करें जो प्रोफेशनल एथिक्स का सबसे सिंपल क्वेश्चन क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, आपको ड्यू डिलीजेंस के बारे में इसमें बताना था, क्योंकि अगर ऑडिटर ने ड्यू डिलीजेंस नहीं रखी अपने काम को लेकर तो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा. और इसके बाद में सेकंड की डी क्वेश्चन की बात करें, तो ये था हमारा SA 530. इसमें आपको सैम्पल सिलेक्शन मैटर 2017 में से वापस से ये कॉपी पेस्ट हुआ है इधर, ठीक है, 530 में से 2017 में से आ गया था. इस बार भी आ गया है. टू की सी की बात करें, तो ये हमारा ऑर्डर स्ट्रेटेजी फैक्टर टू बी कंसिडरेशन, ये हमारा सिमिलर क्वेश्चन था, मतलब लास्ट टाइम आपको PMA देखने को मिल जाएगा. और अगर हम सेकंड की क्वेश्चन की बात करें, सेकंड की बी क्वेश्चन की बात करें, तो ये हमारा है CIS एनवायरमेंटल से. ओके जो रिसेंट चेंजेस है CIS एनवायरमेंट में, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, न्यू क्वेश्चन है ये. और सेकंड की एक ही बात करें, प्रोफेशनल एथिक्स क्लॉज 4 पार्ट 1 या ऑफ सेकंड शेड्यूल, जिसमें आपको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर आपका आपके पार्टनर का आपके रिलेटिव का अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो आप उस फॉर्म में मतलब वहाँ पर ऑडिट नहीं कर सकते, ऐसा था इसमें. फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर सारे केस स्टडीज है और यहाँ पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको PM में से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको और ये एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि फाइंड की सीरीज 40 to 500 ये लास्ट टाइम आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा इस स्टैंडर्ड पे. ओके तो मुझे लग ही रहा था कि मतलब 500 सीरीज 600 सीरीज ओके और 200 सीरीज इसमें से मुझे लग रहा था कि इसमें से आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत है. उसके बाद में सो ये थे हमारे फर्स्ट का, ये था 710 कंपैरिजन वाला जो स्टैंडर्ड था. फिर उसके बाद फर्स्ट का बी क्वेश्चन था 501 पे, अगर ऑडिटर किसी भी रीजन से अगर स्टॉक इन्वेंट्री का ऑडिट नहीं कर पाया तो यहाँ पर 501 अप्लाई हो जाएगा. सो ये था हमारा क्विक एनालिसिस ऑफ ऑडिट का पेपर के बारे में. सो इफ यू लाइक सो प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. इफ यू वांट टू एनी अदर एनालिसिस ऑफ एनी अदर फर्स्ट ग्रुप पेपर सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके सो टाटा गुड बाय.